1980 का दौर, दुनिया ने एक नई बीमारी का नाम सुना, एड्स। ऐसी बीमारी जो हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। एड्स ने सबसे ज्यादा हाहाकार मचाया अफ्रीका में। साल 2000 आते आते अफ्रीकी महाद्वीप में हर दिन 8000 लोग एड्स से मरने लगे। हालांकि बीमारी का इलाज नहीं हो सकता था, लेकिन रोकथाम और जान बचाने की दवाएं बनने लगी थी। ये दवाएं बन रही थी यूरोप और अमेरिका में और कीमत थी लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। इन दवाइयों को ताउम्र लेना होता था। किसी गरीब देश के नागरिक ये बोझ उठाने में सक्षम नहीं थे। साल 2000 में साउथ अफ्रीका के डर्बन शहर में पहली HIV कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में एक जज साहब भी पहुंचे। वो खड़े हुए और बोले, मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं हर महीने हजारों रुपए की दवा खरीद सकने की क्षमता रखता हूं। गरीब आदमी के लिए ये दवाइयां होकर भी नहीं है। उसी साल सितंबर महीने में यूरोप में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे। इस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स भारत से भी पहुंचा जिसे बोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दिया गया था। इन 3 मिनट में इस शख्स ने 3 वादे किए। पहला वादा, हमारी कंपनी HIV की दवा सिर्फ 36,500 रुपये प्रति वर्ष की कीमत पर मुहैया कराने को तैयार है। दूसरा, कंपनी गरीब देशों को इस दवा को बनाने की तकनीक देगी, वो भी मुफ्त में। और तीसरा वादा, माँ से बच्चे में फैलने वाले HIV की दवा भी कंपनी मुफ्त देगी। अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ये एक सदमे जैसा था। HIV की दवाइयों से वो मोटा मुनाफा कमा रहे थे और ऐसे में ये ऐलान ऐसा था मानो कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही काट दे। बैकडोर से पैंतरे आजमाए गए और अंत हुआ ये कि भारतीय कंपनी के पास एक भी ऑर्डर नहीं आया। फिर आया एक कॉल जिसने कहानी को पलट दिया। 7 फरवरी 2001 अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर एक खबर छपी जिसमें लिखा था, इंडियन कंपनी ऑफर्स एड्स कॉकटेल एट $1 a day। यानी भारतीय कंपनी एड्स की दवा सिर्फ $1 प्रतिदिन पर दे रही है। एड्स और HIV के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली इस कंपनी का नाम था सिप्ला। कैसे हुई सिप्ला की शुरुआत और क्यों कहा जाता था इसके मालिक को भारत का रॉबिनहुड, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, ख्वाजा अब्दुल हमीद। कौन थे ये? इतिहास से पहचान करें तो पिता की तरफ से सूफी संत ख्वाजा अहरार के वंशज थे। वही माता की तरफ से दुर्रानी वंश के आखिरी सुल्तान शाह शुजा के वंशज थे। वही सर सैयद अहमद खान इनके चचेरे दादा हुआ करते थे। ख्वाजा अब्दुल हमीद की पैदाइश अलीगढ़ में हुई। तारीख थी 31 अक्टूबर 1898। पिता वकालत किया करते और चाहते थे कि बेटा भी वकील ही बने, लेकिन उन्होंने दिल लगाया केमिस्ट्री में। इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया और बतौर शिक्षक कॉलेज में नौकरी भी करने लगे। साल 1923 जब हमीद 25 साल के थे, उन्होंने अचानक अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और आगे पढ़ने के लिए चले गए जर्मनी। और यहाँ उन्होंने केमिस्ट्री में PhD पूरी की। जर्मनी में रहकर उन्होंने पाया कि केमिस्ट्री की बदौलत ही जर्मनी एक महाशक्ति बना और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस जैसे देशों से टक्कर ले पाया। 1877 तक दुनिया का अधिकतर प्रोडक्शन ब्रिटेन में होता था, लेकिन फिर जर्मनी में ऑर्गेनिक और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में जबरदस्त परीक्षण हुए। जर्मनी ने डाई, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स और विस्फोटक बनाने शुरू कर दिए और 1913 तक केमिकल प्रोडक्शन का सिरमौर भी बना। वो ब्रिटेन जर्मन केमिकल्स पर इस हद तक निर्भर था कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद भी ब्रिटिश आर्मी की यूनिफॉर्म को रंगने की डाई जर्मनी से ही इंपोर्ट हो रही थी। दवाइयों का हाल भी ऐसा ही था। ब्रिटेन न्यूट्रल देशों के माध्यम से एस्पिरिन खरीद रहा था जो जर्मनी में बनती थी। केमिस्ट्री में जर्मनी की ताकत का एक और नमूना देखिए। तब विस्फोटक बनाने में नाइट्रेट की जरूरत पड़ती थी। जर्मनी इसे चिली से इंपोर्ट करता था। जर्मनी पर लगाम लगाने के लिए ब्रिटेन ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। नतीजा हुआ कि जर्मनी के पास नाइट्रेट की कमी होने लगी। तब जर्मन केमिस्टों ने रातों रात नाइट्रिक एसिड को लैब में बनाने का तरीका खोज लिया और इसका उपयोग फिर विस्फोटक बनाने में किया। ब्रिटेन और सहयोगी राष्ट्रों को फिर एहसास हुआ कि उन्हें अपने यहाँ केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा। इसका फायदा भारत को भी मिला। प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे लोगों की बदौलत छोटे रासायनिक उद्योगों की शुरुआत हुई जिसे ब्रिटेन ने खूब बढ़ावा भी दिया। भारत में बन रहे पोटाश नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड का उन्होंने युद्ध में खूब इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ ब्रिटेन ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के बजाय इसके खात्मे की कोशिशें शुरू कर दी। ब्रिटेन से केमिकल्स आयात कर भारत में खपाए जाने लगे जिससे यहाँ के घरेलू उद्योगों को होने लगा घाटा। उन दिनों सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज में ही केमिस्ट्री में PG प्रोग्राम चलता था। पोस्ट ग्रेजुएट
इनमें IISc बेंगलोर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस प्रमुख थे। इनमें भी फंड्स की कमी रहती थी। नतीजतन भारत न केमिस्ट तैयार कर पा रहा था और न ही देश में केमिकल इंडस्ट्री का कोई भविष्य ही तैयार हो पा रहा था। हमीद लिखते हैं, भारत का एक ग्रेजुएट सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज हासिल कर पाता है, उसकी असली पढ़ाई शुरू तब होती है जब वो फैक्ट्री में कदम रखता है। हमीद खुद कुछ साल जर्मनी में रहे और नाज़ीवाद के उभार की शुरुआत होते ही वहां से लौट आए। हमीद भारत लौटे तब भारत राष्ट्रीय चेतना के उभार से गुजर रहा था। हमीद पर महात्मा गांधी के विचारों का गहरा प्रभाव हुआ और उन्होंने तय किया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। कुछ साल एक दूसरी कंपनी के लिए काम करने के बाद 1935 में उन्होंने एक छोटी सी लेबोरेटरी की शुरुआत की। इसे उन्होंने नाम दिया केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज। यही नाम आगे जाकर सिप्ला बना। सिप्ला बनाने के पीछे ख्वाजा हमीद का उद्देश्य था गरीब लोगों को सस्ते में दवाइयां मुहैया कराना। कंपनी के शुरुआत के चंद सालों बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तब सिप्ला ने बर्मा सहित साउथ ईस्ट एशिया के देशों में डायरिया और मलेरिया की दवाइयां पहुंचाई। बंटवारे के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाजा हमीद से पाकिस्तान चलने को कहा। हालांकि गांधी का शिष्य होने के चलते उन्होंने भारत में ही रहना चुना। आजादी के बाद सिप्ला को गांधी, पटेल जैसे नेताओं और सीवी रमन जैसे वैज्ञानिकों का समर्थन मिला, जो चाहते थे कि भारत हेल्थ केयर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। 1961 में ख्वाजा हमीद के बेटे यूसुफ ने सिप्ला ज्वाइन की। यूसुफ कैम्ब्रिज से केमिस्ट्री की पढ़ाई करके लौटे थे और उनके नेतृत्व में कंपनी ने 1968 में पहली बार 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया। सिप्ला की कमान संभालने के बाद यूसुफ भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगे। कंपनी सौंपते हुए उनके पिता ने उनसे कहा था, बाकी फार्मा कंपनियों की तरह ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है, इस कंपनी का मकसद है उन लोगों को दवाइयाँ देना जो गरीब हैं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सिप्ला ने 1968 में प्रोपानोलोल नाम की दवाई का जेनेरिक वर्जन बना दिया। ये दवा ब्लड प्रेशर काबू रखने के काम आती है, लेकिन इसका पेटेंट एक ब्रिटिश कंपनी के पास था। कंपनी सरकार के पास गई। इसी के साथ शुरू हुई पेटेंट लॉ को लेकर एक लंबी लड़ाई। उस दौर में भारत में 1911 का पेटेंट लॉ चलता था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनीज ने ड्रग मार्केट पर मोनोपोली बनाकर रखी थी। दवाइयों के दाम आसमान पर थे। यूसुफ ने इस कानून के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने बाकी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत सरकार पर दबाव डाला ताकि पेटेंट लॉ को बदला जा सके। इसके बाद 1970 में एक नया पेटेंट लॉ पास हुआ और इसी के साथ भारत में फार्मास्यूटिकल क्रांति की शुरुआत होती है। नए पेटेंट लॉ के तहत दवाओं का जेनरिक वर्जन बनाया जा सकता था, बशर्ते बनाने की प्रोसेस सेम न हो। नया लॉ आने के बाद सिप्ला और बाकी भारतीय कंपनियों ने जेनेरिक ड्रग्स बनाना शुरू किया। अगले 20 सालों में भारत ने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त तरक्की की। 1990 तक भारत एड्स और कैंसर की सबसे सस्ती दवा तैयार करने वाला देश बन गया था और इस काम में सबसे आगे थी सिप्ला। साल 2000 के बाद सिप्ला ने HIV की जेनेरिक दवाइयों के वर्जन अफ्रीका भेजे, जो बाकी देशों की दवाओं से कहीं सस्ते थे, जिनसे अफ्रीका में हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ। 2013 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार उस दौर में भारत दुनिया में HIV दवाओं का 92% मैन्युफैक्चर कर रहा था। साथ ही HIV की जो दवा अमेरिका में एक साल के लिए 14 लाख रुपए के भाव में मिलती थी, उससे सिप्ला मात्र 5800 रुपए के आसपास में मुहैया करा देता था। 5800। इसी दौर में भारत ने TB, मलेरिया, हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियों की दवाइयां बनाई, जो बाकी देशों से 99% कम दाम पर उपलब्ध थी। यूसुफ हमीद 2013 में सिप्ला से रिटायर हुए। उन्हें फार्मा की दुनिया का रॉबिन हुड कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स सहित दुनिया के सभी बड़े अखबारों में उनकी प्रोफाइल छप चुकी है। भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए साल 2005 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा भी। अफ्रीकी देशों की HIV से लड़ाई में सिप्ला और हामिद ने जो योगदान दिया, उससे बेहतर तरीके से जानने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, फायर इन द ब्लड। इस डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू करते हुए इंडिया टुडे ने लिखा था, यूसुफ हमीद की कहानी हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुनाफे का ख्याल किए बिना जीवन बचाने पर ध्यान दिया। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। जाते आते एक जरूरी सूचना, ललन टॉप अपने दर्शकों के लिए ला रहा है एक नया और विशेष प्रोग्राम। डाउनलोड कीजिए ललन टॉप ऐप और रोज रात 9 बजे खेलिए ललन टॉप क्विज, जिसमें न सिर्फ क्विज का मजा है बल्कि इनाम जीतने का मौका भी है। ध्यान दीजिए, क्विज सिर्फ ऐप पर उपलब्ध है, तो डाउनलोड करना ना भूलें। ललन टॉप ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर ही उपलब्ध है। आज का तारीख लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।